टीम इंडिया पर मंडराया एशिया कप हार का खतरा, सेलेक्टर से हो गई सबसे बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हो टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके मुताबिक क्या टीम इंडिया एशिया कप 2022 का खिताब जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। 15 सदस्यीय टीम में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उप कप्तान केएल राहुल जैसे क्रिकेटर की वापसी हुई है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो गए हैं। बुमराह का बाहर होना एक बड़ा झटका है क्योंकि वह भारतीय बॉलिंग यूनिट की जान है। खास बात यह है कि भारतीय स्क्वाड में तीन स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान और अर्शदीप सिंह को जगह मिली है, जो हैरानी भरा फैसला है। अगर खुदा न खास्ता तीनों में से कोई चोटिल हो गया तो भारतीय टीम की मुसीबत बढ़ सकती है। भुवनेश्वर कुमार तो काफी अनुभवी है, लेकिन अर्शदीप सिंह और अवेश खान को इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं है। अवेश खान को चुनना हैरानी भरा रहा क्योंकि वह अभी कुछ खास प्रभावी नहीं रहे हैं। अवेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में 10 से ज्यादा की इकोनॉमिक से रन खर्च किए हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी चयनकर्ताओं द्वारा केवल तीन तेज गेंदबाजों को शामिल किए जाने के फैसले पर हैरान है। भारत को अपने मुकाबले दुबई में खेलने हैं, जो पहले स्पिन के लिए मददगार होती थी, लेकिन समय के साथ साथ यह ट्रेंड बदलता जा रहा है और अब तेज गेंदबाजों को भी यहाँ विकेट काफी सूट करता है। वैसे अगस्त सितंबर का महीना होने के चलते यह उम्मीद जताई जा रही है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच स्पिनर की तुलना में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद करेगी। भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम में चार स्पिन गेंदबाजों रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को जगह दी है। साथ ही दीपक हुड्डा भी स्पिन बॉलिंग करने में माहिर है। भारतीय चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाजों के मुकाबले ज्यादा स्पिनरों को चुनने का फैसला शायद यूएई की परंपरागत स्पिन कंडीशन को देखते हुए किया हो, लेकिन चार स्पिन गेंदबाजों को शामिल करने का ये रिस्क भारी भी टीम इंडिया पर पड़ सकता है। ऐसे में अब टीम इंडिया पर एशिया कप के हार का खतरा भी मंडराने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इन खिलाड़ियों के साथ एशिया कप 2022 का खिताब जीत पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।